माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। शिव जी के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं शिव जी के अवतार कौन से हैं और इन अवतारों का प्रयोजन क्या था, और शिव जी के अवतारों में माँ शक्ति का क्या संबंध है, रुद्रावतार क्या है, शिव जी ने हनुमान के रूप में कौन सा अवतार लिया, क्यों लिया? तो आज हम जानेंगे शिव जी के अलग अलग स्वरूपों के या अवतारों के बारे में, साथ ही साथ किस आराधना से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है, और हम जानेंगे अस्थमा बच्चों में बहुत बढ़ रहा है, उसका क्या निदान है, और हाथ पर वो रेखा जो यदि आ गई तो आपका ठगा जाना तय है, तो कौन सी वो रेखा होती है ये भी हम जानेंगे। विषय पर बात शुरू करते हैं। सामान्यतः जब भी अवतारों की बात होती है तो हमेशा भगवान विष्णु जी का ही हम अर्थ लेते हैं, उन्हीं के अवतारों की बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सृष्टि के कल्याण के लिए सिर्फ भगवान विष्णु जी ने नहीं बल्कि शिव जी ने भी अवतार लिए हैं, उनकी भी अलग अलग स्वरूपों में पूजा होती है। और शिव जी के एक अवतार यानी रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में तो हम सभी जानते ही। कई बार उसे लोगों ने पूछा कि अगर हनुमान शिव जी के रुद्र अवतार हैं तो उन्होंने श्री राम जी की सेवा क्यों की, और वो कभी कभी ये भी पूछते हैं जो गलत कि क्या विष्णु जी शिव जी से बड़े हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो ये मुझसे पूछते हैं कौन से देवता बड़े हैं, देवता सब बराबर हैं, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये तो हम मनुष्यों ने यहाँ पर बड़ा छोटा कर दिया सब कुछ। हर भगवान हर देवता अपना कार्य करता है, उनके यहाँ परफेक्ट डिविजन ऑफ लेबर है, और कोई भी बड़ा नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। विष्णु पुराण और शिव पुराण में भगवान विष्णु जी और भगवान शिव के अनेक अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है, मुख्य अवतार 10, उप अवतार 14, तो 24 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है, और भगवान शिव के 28 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन उनमें से जो प्रमुख है सामान्यतः उसी की चर्चा की जाती है, तो शिव जी के भी दशावतार की ही चर्चा की जाती है, और वो मैं 10 अवतार आपको बताऊंगा। फिलहाल मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि के बारे में बताना चाहता हूं, और शिव जी के बारे में ये नई जानकारी दे रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। फिलहाल मेष राशि, मेष राशि ये दिन अच्छे परिणाम देगा परंतु मेहनत बहुत कराएगा, पेट का बहुत ख्याल रखना होगा, भाई बहन में मनमुटाव हो सकता है। उपाय क्या करना है, भाई बहनों को खट्टी मीठी टॉफी बांटिए, या फिर उन्हें कुछ अपने हाथ से खाने को दीजिए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, जिन लोगों को गले की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है, बाल या आंखों की प्रॉब्लम है, वह चिकित्सक सलाह अच्छे जरूर ले लें और परहेज अच्छे से करें। इस दिन आपको एक सावधानी रखनी होगी, बहुत गुस्से में बातचीत मत कीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे, तांबे के बर्तन में पानी लोगों को बांटिए, खुद भी पीजिए, और तुलसी जी धोकर जिवा के नीचे रखकर फिर अपना काम शुरू करिए। मिथुन राशि, व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, यदि आप कहीं निवेश करते हैं तो बहुत धैर्य से काम लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कोई रिश्तेदार खफा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान जरूर कर दीजिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के वो लोग जिनको ठंड की वजह से परेशानी होती है या बुखार अक्सर आ जाता है, वो इस दिन विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, बाकी समय ठीक है, आप गर्म पानी और नींबू का सेवन कर लीजिए। एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, इस दिन पति पत्नी में तकरार ना हो जाए, और एक सावधानी, संतान और आपके संबंध डिस्टर्ब ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी सब अच्छा है, एक उपाय कर लें, थोड़ा माता जी के पास बैठिए,
उनसे उनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेगा। शास्त्रों से भगवान राम के जीवन में अनेक ऋषि आए, उनमें से एक ऋषि हैं अत्रि। ऋषि अत्रि के संबंध में यह धारणा है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ। ऐसा नहीं कि ललाट से एक बच्चा उत्पन्न हो गया। जब भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, उन बातों के अपने अर्थ होते हैं और बहुत गहरे अर्थ होते हैं, और इसे सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। बहुत लंबे समय तक अध्ययन करने से, चिंतन मनन करने से, या फिर गुरु कृपा से ये अर्थ समझ में आते हैं। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन रहता है कि तंज ना मारें, चीज़ों को बहुत गहराई से समझें, क्योंकि ये हजारों वर्ष पूर्व की भाषा है, वैसी शैली है, साहित्य का पुट है, भाव इसके अलग होते हैं, इसीलिए इनको समझने में थोड़ा ध्यान रखें। तो इनका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा भी महर्षि अत्रि हैं, इसलिए ऋग्वेद के पंचम मंडल को अत्रे मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में 87 सूक्त हैं। इसके अलावा महर्षि अत्रि ने दो ग्रंथों की रचना करी, अत्रि संहिता और अत्रि स्मृति। महर्षि अत्रि का विवाह कर्दम मुनि की पुत्री और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि की बहन अनुसुईया से हुआ था। ये वही अनुसुईया है जो बहुत विदुषी हैं, धर्मज्ञ हैं, और इन्होंने सीता जी को उपदेश दिए थे। इन्हें सती आयुष अनुसुईया के नाम से सब जानते हैं। ये भी अजर अमर हैं। हम लोग बात कर रहे हैं शिव जी के अवतार की। हमने ऋषि अत्रि, माता अनुसुईया, इन दोनों के बारे में भी जान लिया है। आगे की बात मैं अभी करता हूँ। शिव जी के 10 अवतार के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन फिलहाल सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि का दिन भर का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, जिन लोगों को आंखों से संबंधित, रक्त पेट से संबंधित, यूटर से संबंधित परेशानी है, वो इस दिन सावधान रहें। एक विशेष सावधानी रखने की आप सभी लोगों को जरूरत है कि इस दिन तेज पीला रंग नहीं पहनिएगा। और उपाय क्या करना है, गुड़ और सौंफ खाकर अपने घर से निकले तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, परिवार में पिता या बुजुर्गों से बनाकर रखनी होगी। व्यापार या नौकरी के लिए समय यह अच्छा है। जिन लोगों को कॉस्मेटिक, जमीन, बिल्डिंग मटेरियल, वाहन आदि का व्यापार करना होता है, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। वैसे ये दिन धन के लिए अच्छा है, गया धन भी मिल सकता है, रुका हुआ धन भी मिल सकता है, कुल मिला के अच्छा रहेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, जो लोग नौकरी करते हैं वो अपने कार्यस्थल में थोड़ा अलर्ट रहे, बहुत ध्यान से काम करें, अन्यथा परेशानी होगी। कागज संभाल के रखें। उपाय क्या करना है, रविवार को गुड़ और लाल फूल यह आप जल में डालिए। घर का भी, घर में भी जल आप ऐसे रख सकते हैं एक बड़े से कुंडे में, और उसमें भी ये थोड़ा सा, इतना से तो गुड़ डालना है, एक लाल पुष्प, फिर अपने इष्ट का नाम लीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु अच्छा करेंगे। तुला राशि, परिवार के लिए समय अच्छा है, खुशी मिलती दिखाई दे रही है। व्यापार और नौकरी में जो लोग हैं उन्हें अच्छे अवसर मिल रहे हैं। विद्यार्थियों को खूब मेहनत करने की सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय यदि आपने अच्छे से मेहनत करी तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन सावधानी रखिएगा, इस दिन काले रंग का प्रयोग करने से बचें। और उपाय क्या करना है, आप लोगों को पुष्प भेंट कीजिए इस दिन, संभाल के करना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन थोड़ा मिला जुला परिणाम आपके लिए लेके आ रहा है। स्वास्थ्य, परिवार और प्रतिष्ठा के मामले में अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी परेशानी देगा, सावधानी रखिएगा। इस दिन निर्णय बहुत सावधानी से लें, ध्यान से लें, बोलते समय बहुत ध्यान रखें, और समाज और परिवार में घुलते मिलते समय भी बहुत ध्यान रखें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की पूजा कीजिए, ओम हनुमते नमः का या हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर काम पर जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक करें। विषय लेते हैं, शिव जी के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार है जिसे सब जानते हैं, महाकाल। भगवान शिव का महाकाल स्वरूप
अपने भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला परम कल्याणी है। इस अवतार की शक्ति है महाकाली। समझे आप रिलेशन, महाकाली उनकी शक्ति है। एक बात ध्यान रखिए, जिस भी देवता का अवतार होता है उसके साथ ही साथ उसकी शक्ति का भी अवतार होता है। देवता भी स्त्री शक्ति के बिना अधूरे, तो हम मनुष्य को क्या विसात। लेकिन शायद हम धार्मिक नहीं हैं। अगर धार्मिक होते तो स्त्रियों की बहुत इज्जत होती इस समाज में। शिव जी के दूसरे अवतार की बात करते हैं। शिव जी के दूसरे अवतार में उनका नाम है तार, और भगवान शिव का तार स्वरूप भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है। और तार अवतार में उनकी शक्ति का नाम है तारा देवी। समझ आया? तीसरा, बाल भुवनेश अवतार को शिव जी का तीसरा अवतार माना गया है। शिव जी के बाल भुवनेश स्वरूप की आराधना से सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है, और इस अवतार की शक्ति है बाला भुवनेशी। शिव का चौथा अवतार है षोडश श्री विद्येश। षोडश श्री विद्येश ये इनका चौथा अवतार है, और इस स्वरूप में जो भी लोग शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें सुख भोग और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। और इस अवतार की शक्ति है उनकी देवी षोडशी श्री विद्या। समझ में आ गया? नाम सारे आपके सुने हुए होंगे, लेकिन इनका ये रिलेशन है यह समझ में आया होगा। अब जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, परंतु परिवार की दृष्टि से सतर्क रहना होगा। माँ और जीवन साथी दोनों के साथ संबंधों में परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रखें। एक सावधानी बहुत आवश्यक है, वाणी पर बहुत संतुलन बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो वहां से ही समस्या प्रारंभ हो जाएगी और आपको कई दिनों तक झेलना पड़ेगा। उपाय क्या करें? केले का दान करें, अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, बहुत सावधान रहना होगा इस दिन। सरदर्द और पेट के विकारों से बचना होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, तेज क्रोध आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। आप अपनी कमर की खातिर अधिक वजन मत उठाइएगा, और परिवार में भी अपने गृहस्थ जीवन में भी बहुत ध्यान रखें, ससुराल पक्ष से भी अच्छे से बनाकर रखें। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वह भी थोड़ा सावधान रहें। इस दिन की विशेष सावधानी है, शक मत कीजिएगा। अच्छे से देखभाल कर पड़ताल करने के उपरांत ही किसी से कुछ कहिएगा, शक करने से नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? 5 फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोगों को पेट कमर और पैरों का ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ परिवार में गृहस्थ जीवन में अशांति के संकेत मिल रहे हैं। बच्चों या जीवन साथी या पिता के साथ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है, व्यापारी लोग इस दिन कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लें, मजबूरी में लेना भी पड़ जाए तो सलाह और सोच मशवरा करके ही लें। उपाय क्या करना है? 108 बार ओम का जप कीजिए, उसके बाद काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, व्यापारियों के लिए साधारण समय, पर बुद्धिजीवियों के लिए या जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं या जो लोग कला के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके लिए समय अच्छा है। शत्रु पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहेगा। शत्रु पक्ष कमजोर है इसलिए आप जम के अपना कार्य कर लिए, अटके हुए सारे कार्य पूरे करते चले जाइएगा। जो लोग अध्यात्म से या इष्ट से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है, और जो लोग अच्छी भक्ति करते हैं उन लोगों को इस दिन धन लाभ भी हो सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, मित्र के कारण परिवार में तनाव हो सकता है। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करें। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी बधाइयां। आपके ये महीने बहुत अच्छे सिद्ध हो सकते हैं, खास तौर से उन लोगों को जिनको रिश्ते जोड़ने हैं या विवाह आदि के बंधन में बंधना है,
या फिर उनके कुछ रिश्ते टूट गए थे पिछले वर्ष और उन्हें वो पुनः जोड़ना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा विद्यार्थियों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका स्थानांतरण हो सकता है और ठीक ठाक जगह पर हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके लिए समय अच्छा है। आपका जो विशेष समय रहेगा वो रहेगा अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, नवंबर का महीना, फरवरी 2019 का महीना, ये समय आपके काम बनाने वाले सिद्ध होंगे। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कि स्वास्थ्य कमज़ोर है, और दूसरी बात घर के बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य की वजह से भी परेशानी बनेगी। उपाय क्या करना है, इस दिन से रोज़ाना थोड़ी सी चीनी निकालकर एक स्टील के बर्तन में रख दिया कीजिएगा और उसको फिर शुक्रवार के दिन किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को दे दिया कीजिएगा, बड़ा लाभ होगा। लेकिन चीनी की जगह अगर शक्कर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक व्यथा लेता हर्षित अग्रवाल जी की यह व्यथा है। 23 अक्टूबर 1994 गुन्नार में इनका जन्म हुआ है, 10:10 पर। क्वेश्चन ये कर रहे हैं तो अपने पिता के बारे में जिनकी डायबिटीज बहुत ज़्यादा रहती है, उनको ये प्रॉब्लम क्यों रहती है और ये कैसे ठीक होंगे, और दूसरी चीज़ है ये किसी नई जगह पर जाकर रहना चाहते हैं। 2020 में आप किसी नई जगह पर रह सकते हैं। एक मौका आपको अक्टूबर और नवंबर 2018 में मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसे अवॉइड कर दीजिएगा। 2020 में अच्छा रहेगा, परमानेंट होगा। दूसरी चीज़ ये है आप अपने पिताजी को कुछ एक कार्य कराने शुरू कर दीजिए, और वो ये हैं कि वह शुक्रवार को नमक ना लें, बाकी वो सारा भोजन लें। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक हो तो अलग बात है। और दूसरा उपाय वो करें, नमकीन चीज़ें 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को बांटा करें, और पूर्णमासी के दिन श्वेत वस्त्र और आटे का दान वह किसी गरीब बच्ची को ज़रूर कर दिया करें। ये उपाय करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। और अभी हमें जानना है शुभ अशुभ समय, अभी हमने जानना है जिन बच्चों को रहती है अस्थमा की प्रॉब्लम, और अभी हमने जानना है शिवजी के बाकी अवतारों के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोगों की हो सकता है राशि जानना छूट गया हो, तो उनके लिए है राशि रिकैप। मेष राशि, दिन अच्छा परिणाम देगा लेकिन मेहनत बहुत कराएगा, पेट का कमर का ध्यान रखें। वृषभ राशि, अपने गले दांत और बालों का ध्यान रखना होगा, अपने परहेज अच्छे से करिएगा। मिथुन राशि, व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको लाभ देगा, लेकिन कोई रिश्तेदार नाराज हो सकता है। कर्क राशि, यदि आपको ठंड या बुखार की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आज बहुत ध्यान रखिएगा, पति पत्नी में तकरार हो सकती है, जरा सावधानी बरतें। सिंह राशि, आंख, रक्त, पेट और यूट्रस आदि की परेशानियों का आपको ख्याल रखना होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, परिवार में पिता और बुजुर्गों से विशेष रूप से बनाकर रखने की जरूरत है, व्यापार और नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा। तुला राशि, परिवार के लिए समय अच्छा है, खुशी मिलती दिखाई दे रही है, नौकरी के लिए या व्यापार के लिए जो लोग लगे हुए हैं उन्हें सुअवसर मिलेंगे, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, यह दिन खट्टा मीठा परिणाम देने वाला है, व्यापार प्रतिष्ठा बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर बाद उसी में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। परिवार का अपना विशेष ध्यान रखिएगा, वाणी पर विशेष नियंत्रण रख के चलने की आवश्यकता है। धनुराशि, परिवार की दृष्टि से सतर्क रहना होगा लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मामलों में लाभ होगा, माँ और जीवन साथी दोनों से बनाकर रखने की कोशिश करनी होगी। मकर राशि, सावधानी की आवश्यकता है, सर दर्द और पेट के विकारों से बचें, आज तेज क्रोध की वजह से नुकसान हो सकता है, वजन सोच समझ कर ही उठाइएगा। कुंभ राशि, कमर का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, परहेज अपने अच्छे से करें, परिवार में अशांति के संकेत मिल रहे हैं, बच्चों का भी विशेष ख्याल रखिएगा। मीन राशि, व्यापारियों के लिए दिन साधारण है लेकिन बुद्धिजीवियों को अच्छे मौके मिल सकते हैं, आज शत्रु पक्ष कमजोर है इसलिए आगे बढ़कर काम कीजिए, अच्छा होगा। और अब फटाफट नोट कीजिए शुभ अशुभ समय। यम रंग काल रहेगा सुबह 7:37 से लेकर सुबह 9:13 तक, गुलिक काल रहेगा सुबह 10:00
41 मिनट से लेकर 12 बज के 25 मिनट तक, दुर्मुहूर्त रहेगा 11 बज के 51 मिनट से लेकर 12 बज के 50 मिनट तक, राहु काल रहेगा 12 बज के 25 मिनट से लेकर दोपहर में 2 बजे तक। इन समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त तो कोई नहीं है, लेकिन अमृत काल है 12 बज के 48 मिनट से लेकर 2 बज के 20 मिनट तक। इस समय में आप कोई भी नया कार्य, बड़ा कार्य, मंगल कार्य शुरू कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सामान्य जीवन क्रिया के लिए या सामान्य दिनचर्या के लिए आपको इन मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई विशेष कार्य आप कर रहे हैं तो इन मुहूर्त का विशेष ख्याल रखिएगा। वैसे किसी भी चीज़ में सही मुहूर्त पर यदि हम कार्य शुरू करते हैं तो परिणाम अच्छे आते हैं। विषय पर बात करते हैं। शिव जी का पांचवा अवतार है भैरव, और इस स्वरूप में शिव जी की आराधना करने से भय का नाश होता है। और इस अवतार में शिव जी की शक्ति है मां भैरवी गिरिजा। शिव जी का छठा अवतार है छिन्नमस्तक, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस स्वरूप में शिव जी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा कहा जाता है। और इस अवतार में भगवान शिव जी की शक्ति है छिन्नमस्ता। सबने सुना होगा, देखा होगा, देखने में बहुत डर भी लगता है, लेकिन वो इनकी शक्ति है। धूमवान भी कहते हैं शिव जी को, जिनका सातवां अवतार है धूमवान। और शिव जी का यह स्वरूप भक्तों को बड़ा श्रेष्ठ फल देता है। शत्रु का हंत करते हुए ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। और इस अवतार की शक्ति है धूमावती। शिव जी का आठवां अवतार है बगलामुख, वागलामुख भी इसे कहते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिव जी के स्वरूप की पूजा करते हैं बड़े आनंद में रहते हैं। उनका आत्मविश्वास कभी टूटता नहीं, उनकी ईमानदारी को कभी क्षति नहीं पहुंचती, और उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। उनका शत्रु सदा चित्त होगा। और इस अवतार की शक्ति है मां बगलामुखी देवी। और अब जान लेते हैं परवरिश टिप्स। आजकल बहुत सारे कारणों से, जिसमें माता का स्वास्थ्य भी एक कारण है तो पर्यावरण भी एक कारण है, इन कारणों से बच्चों में अस्थमा की समस्या बढ़ रही है। हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। कुछ लक्षण हैं वो आप समझ लीजिए, उसके बाद चिकित्सीय सलाह तुरंत लीजिएगा। जैसे सुबह सुबह या रात को बच्चे की श्वास उसे ऐसे खींच कर लेनी पड़ती हो, श्वासहीनता इसे कहते हैं, या फिर बच्चा जब सांस लेता हो तो उसमें सीटी जैसी आवाज आती हो, ऐसी करके आवाज आती हो, या बच्चे को खांसी बहुत तेज आती हो, या बच्चे की छाती जकड़ी हुई हो बलगम से, और बच्चा खेलना नहीं चाहता हो, या वो दौड़ना भागना चाहता भी है तो बहुत जल्दी हांफने लगता है, और कभी कभी यहां पर पीठ में, पेट में दर्द की शिकायत भी करता है। पेट में एग्जैक्टली नहीं, रिब जहां खत्म होती है उससे एक दो मिनट, एक दो इंच नीचे इधर दर्द की भी शिकायत करता है। अगर बच्चा ऐसा करता है तो आप इसे सीरियसली लीजिए और तुरंत चिकित्सीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। फिलहाल सारी ठंडी चीजें बच्चों की बंद कर दीजिए, ऐसे जितने भी बालक हैं उनकी ठंडी चीजें एकदम बंद कर दीजिए। दही चावल, आइसक्रीम, बाहर का सामान एकदम रोक दीजिए, और उनको गुनगुना पानी दिन में 3-4 बार देना शुरू कर दीजिए। और अब जानते हैं हथेलियों से। हथेली में अगर आपके ये रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं मैंने बताई हैं इसमें, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तो आप निश्चित रूप से जीवन में ठगे जाएंगे, और हो सकता है अनेक बार ठगे जाएं। और ये ठगी पैसे की भी हो सकती है, रिश्तों की भी हो सकती है। ये देखिए, अगर ये यहाँ पर एक रेखाओं का जाल सा बन गया है, कड्डी पट्टी रेखाएं यहाँ पर हैं, तो ये दिखा रही है चीज़ कि पैसे या संपत्ति की ठगी हो सकती है। और अगर इस प्रकार से ये रेखाएं यहाँ पर हैं, हृदय रेखा, और नीचे ये रेखाएं निकल रही हैं, तो ये दिखा रही है कि यह रिश्तों को लेकर आपके साथ ठगी हो सकती है।
हमेशा ध्यान रखना होगा आपको, सतर्क रहना होगा आपको। और हम बात कर रहे हैं शिवजी के 10 अवतारों के बारे में, 8 जान चुके हैं। शिवजी का 9वां अवतार है मातंग। भगवान शिव का मातंग स्वरूप अपने भक्तों के अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला होता है, और इस अवतार में शिवजी की शक्ति देवी हैं मातंगी। शिवजी का 10वां अवतार है कमल। भगवान शिव का कमल स्वरूप अपने भक्तों को भक्ति और शक्ति और मुक्ति तीनों प्रदान करता है। ये इसलोक और परलोक दोनों में सफलता देता है, और इस अवतार की शक्ति है देवी कमला। तो इन 10 अवतारों के अलावा भी शिव जी के 11 अवतार हैं। यह रुद्र अवतार है, ये कब, जिसमें बहुत जोश, जिसमें बहुत शत्रु को भयातुर करने वाली शक्ति होती है, इसे रुद्र अवतार कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपिर्बुद्ध, शंभु, चंड, भव। इसके अलावा शिव जी के जो अवतार माने जाते हैं वो हैं दुर्वासा, हनुमान जी, महेश, वृषभ, पिपलाद, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुंटंतर, द्विजित, अश्वत्थामा, किरात, नतेश्वर। इन अवतारों का उल्लेख शिव पुराण में हुआ है। शिव जी के इनमें से किसी भी स्वरूप की पूजा की जानी चाहिए। शिव जी की पूजा से शांति आती है, बस उनकी कृपा मिल जाए। किसी भी देवी देव से क्या मांगना, सिर्फ कृपा मिल जाए, शांति महसूस करने लगे मनुष्य, इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं। बाकी चीजें तो स्वतः चली आती हैं। सुनो बच्चों और युवाओं, जिनके अंदर गुण है, आत्मविश्वास है अपने गुण दिखाने का, जिन बच्चों को तरीका आता है अपने गुण दिखाने का, और मानसिक शांति है, धन उनके पीछे स्वतः घूमता फिरता है। अब स्वास्थ्य चेतना। गर्मी के मौसम में और उसके बाद बरसात के मौसम में बहुत सारे कीट पतंग इस प्रकार से होते हैं, और खास तौर से मच्छर, और आजकल तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हमला बोला हुआ है मच्छरों, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बहुत सारी परेशानियां इसी से होती हैं। लेकिन ये उपाय यदि आप करेंगे तो ये परेशानियां नहीं होंगी। क्या है? मेथी की पत्तियां उबाल कर चाय की तरह से पी लीजिए। बस यह दिन में एक बार करें, और खाना या तो खाया ना हो, खाली पेट हो, या खाना खाने के 3 घंटे बाद, या सोने से 1 घंटा पूर्व। ऐसा करने से जो हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं शरीर के, वह निकलने शुरू हो जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। फिर डेंगू के वायरस का, चिकनगुनिया का, इन सब का असर खत्म। और अब वो विचार जो दिन बना देगा। किसी ने क्या जबरदस्त अशआर कहे हैं, अकेले ही गुजर जाती है तनहा जिंदगी। सुनिए, अकेले ही गुजर जाती है तनहा जिंदगी, लोग तसल्लियां तो देते हैं साथ नहीं देते। तो यह हर व्यक्ति की समस्या है, इसीलिए अपने अकेलेपन को भगवान की पूजा से, भक्ति से, अध्ययन से, अपने काम से, रिसर्च से भरने की कोशिश कीजिए। दुनिया पर भरोसा मत कीजिए। आप सुखी हैं, आप शांत हैं, सब लोग आपके पीछे वैसे ही चल देंगे। और अब उनकी बात जिनकी है आज विवाह की वर्षगांठ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं तरक्की देने वाले सिद्ध होंगे। हाँ, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है जो आप महसूस करें, वो ये कि थोड़ा अलग अलग रहना पड़ सकता है, हो सकता है किसी एक का ट्रांसफर हो जाए। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि
घर संबंधी या वाहन संबंधी भी कार्य बन सकते हैं, आपस में मेल जोल बढ़ेगा और बहुत सारे गिले शिकवे भी दूर होंगे। हाँ, घर के लोगों की बीमारी की वजह से या परेशानी की वजह से कुछ दिक्कत जरूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन वैसे कुल मिला के अच्छा वक्त रहेगा। इसलिए टेंशन ना लें, आराम से अपने इन 12 महीनों को बताएं। बस एक छोटा सा उपाय जरूर करते रहेंगे आप, और वह है शुक्रवार को पके हुए भोजन का दान किसी को जरूर किया कीजिएगा। बहुत सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं। एक व्यथा लेते हैं। यवतमाल से यह व्यथा किसी ने भेजी है, नाम तो ये नहीं पता, पिता ने भेजी है, माताजी ने भेजी है। अपने माता पिता बच्चे सबकी डेट ऑफ बर्थ इसमें है और लिखा है, सर कृपया मार्गदर्शन करें, हम क्या कर सकते हैं। मेरी समझ में प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आया, बस मुझे तीनों की कुंडली देखकर इतना ज़रूर लगा कि यहाँ कहीं पितृदोष से पीड़ित परिवार है, तो आप लोग पितृदोष के उपाय ज़रूर कीजिए, उससे आपको सुख शांति मिलेगी। पितृदोष का क्या उपाय है तो मैं कई बार बता ही चुका हूँ, साथ ही साथ रोज़ाना मिट्टी के बर्तन से एक ही बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी भरें, उसमें कुछ तिल डालें और दक्षिण की ओर मुंह करके ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति भवा इस मंत्र का जप करते हुए जल देते चले जाएं और अपने पूर्वजों को ज़रूर याद किया करें, अपनी गलती की उनसे क्षमा ज़रूर मांग लिया करें। और शनिवार के दिन उड़द की दाल और रोटी, यह इसका दान ज़रूर सेवा भाव से किसी को कर दिया करें। मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके जीवन में। और सभी लोगों से निवेदन, प्रश्न पूरा भेजा करें। और दूसरा निवेदन, मैं एबीपी न्यूज़ के अतिरिक्त और किसी भी जगह पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, ध्यान है ना, ये बात सबको बता भी दीजिएगा, नहीं तो कुछ ठग लेगा। चलता हूँ, आप लोग खूब हंसी खुशी अपना दिन बिताइएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।